एंड सौम्याज किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हैं श्रीखंड, इलायची फ्लेवर का श्रीखंड। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और आप इसको बना करके और ठंडा करके फिर सर्व करें तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकॉन को प्रेस करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी। श्रीखंड बनाने के लिए चाहिए हंकर्ड, चीनी पिसी हुई या तो आप सादा चीनी भी ले सकते हैं, केसर, केसर को दूध में भिगो करके रख दिया है, आप चाहे तो येलो कलर भी ले सकते हैं, इलायची पाउडर महीन पिसा हुआ, एक बड़ा बॉल लेंगे, बॉल में डालेंगे ये दही, ये 4 कप दही को छलनी में करके रख दिया था, उसके बाद 5 से 6 घंटे में ये इस तरीके से एकदम थिक दही हो गया, फ्रिज में रख दिया था जिससे कि खट्टा ना हो, दही एकदम फ्रेश होना चाहिए। 1 कप के करीब हंकर्ड है थिक हो करके, तो इसमें 1/2 कप के करीब चीनी डाल देंगे पिसी हुई, आप चाहें तो थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं लेकिन इसमें चीनी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पड़ती है। चीनी और दही को मिक्स करेंगे, साथ ही इसमें डाल देंगे केसर, थोड़ा सा डालेंगे जितना आपको येलो कलर देना हो, और इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून के करीब, और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। अगर आपको और थोड़ा सा कलर देना हो तो आप इसमें थोड़ी सी केसर और डाल दें। आधे घंटे के लिए मिक्सर को इसी तरीके से रखा रहने देंगे, चाहे तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं जिससे कि चीनी और दही का फ्लेवर एकदम मिक्स हो जाए एक दूसरे में। चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है, थोड़ा सा ये थिक है तो इसमें थोड़ा सा दूध मिला देंगे करीब 1/4 कप, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। श्रीखंड बन करके तैयार हो गया है। इसकी थिकनेस इस तरीके से रहनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। ये श्रीखंड बन करके तैयार हो गया है। अब इसको आप ठंडा करके या ऐसे ही जैसे आप चाहें वैसे सर्व कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे डेकोरेट करने के लिए। केसर इलायची श्रीखंड बन करके तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और शेयर करें रेसिपी को। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू। और ऐसी नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए सौम्याज किचन।